आखिरकार ज्यादातर बच्चे सीए फाइनल ऑडिट में फेल क्यों हो रहे हैं? मतलब मई 24 अटेम्प्ट में भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द ऑडिट एग्जामिनेशन. व्हाट इज द रीजन? अब देखिएगा, मैं अपने कुछ बच्चों के रिजल्ट आपके सामने रख दूंगा. देखो भाई, ऑडिट में इतना अच्छा रिजल्ट आया है, दिस स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, है ना, दे हैव गॉट एग्जम्पशन, या पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में इनको बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो भाई, दैट इज नॉट गोइंग टू शो यू द रियलिस्टिक पिक्चर. ऑब्वियसली जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अच्छे से क्लासेस वगैरह अटेंड करी है, तो ऑब्वियसली देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स. बट सच्चाई ये है कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड टू सिक्योर मार्क्स इन ऑडिट, एंड दे हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑडिट, एंड ऑडिट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से उनका बेरा पार नहीं हो पा रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे वो. तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, और क्यों हम ऑडिट में मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरीके से हम ऑडिट में मार्क्स ला पाएंगे. ठीक है ना? तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा. एक एक रीजन जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं, दोज आर प्रैक्टिकल जेन्युइन रीजंस कि आपको ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आता है, एंड आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू हाउ टू ओवरकम दोज इश्यूज, और किस तरीके से ऑडिट में मार्क्स लेकर आना है. फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. सबसे पहली चीज देखना, अपने को एक चीज समझना होगा कि अब 30% पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है. 30% पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, एंड वो भी इंटीग्रेटेड केस स्टडी सिनेरियो के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब वो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? सर, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके भी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, और ज्यादातर बच्चों का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. दिस इज द फैक्ट. मतलब मैं यार इन दिनों देख रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे मतलब ऐसे हैं यार कि कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी है नहीं, यूट्यूब के चक्कर में पड़े हुए हैं यार, यूट्यूब के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हाँ भाई, जो यूट्यूब में वीडियो दिख गया वो वीडियो अपन ने कर लिया, एक वीडियो एक फैकल्टी का देख लिया, दूसरे वीडियो दूसरे फैकल्टी का देख लिया, यूट्यूब का रिविजन वीडियो देख लिया. कितने बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट के बाद मुझे फोन करा, सर प्लीज सजेस्ट मी व्हाट टू डू इन ऑडिट. मैं पूछता हूं, क्या कर रहे हो बेटा? सर, यूट्यूब के वीडियोज देख रहे हैं. तो भाई, यूट्यूब के वीडियोज देखकर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी नहीं आएगी मेरे दोस्त, है ना? तो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एक गुरु बनाइए, एक मेंटर बनाइए, एकदम फेथ के साथ, फेथफुली अपने उस गुरु को, अपने उस मेंटर को फॉलो कीजिए. क्लासेस प्रॉपरली देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए. अगर आप मान लीजिए मुझे अपना गुरु बना रहे हो, मुझे अपना मेंटर बना रहे हो, तो ट्रस्ट दिखाओ, राइट? ट्रस्ट दिखाओ, भरोसा दिखाओ. क्लासेस को फेथफुली देखो, डेडिकेशन के साथ देखो. कहीं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है, मुझे मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा रिप्लाई आएगा आपके पास. उसी तरीके से किसी भी एक टीचर को अपना गुरु फ्रीज करो, अपना मेंटर फ्रीज करो. कुछ दिक्कतें हो रही है, उनसे बात करो, ठीक है? एंश्योर करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दैट इज द स्टेप नंबर वन, ठीक है सर? दूसरा क्या कारण है कि बच्चा एग्जाम में मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहा? यार बच्चे आजकल ना शॉर्टकट के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं. सिलेक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं, एबीसी एनालिसिस यूज करके पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, सीए फाइनल एग्जाम में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू नीड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. एक बच्चे ने मुझे बोला, सर डिजिटल ऑडिट का चैप्टर मैंने छोड़ दिया था और उससे अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छा वेटेज आ गया. तो भाई, ये तो होने ही वाला है यार, ये तो होने ही वाला है. सीए फाइनल के एग्जाम में मजाक नहीं है. आप सोचोगे कुछ टॉपिक्स में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में मैं सिर्फ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस लगा लूं, मैं क्वेश्चन बैंक कर लूं, नहीं काम चलने वाला उससे. यू हैव टू डू ए कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज, है ना? नहीं कर सकते कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज तो भाई ठीक है, लगते रहेंगे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, जैसे तारीख पे तारीख लगती है ना, वैसे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट. तो यार कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज चाहिए बॉस अपने को, शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला. लेकिन बच्चों को तो शॉर्टकट चाहिए, सर हमें तो कोई शॉर्टकट दे दो, हमें तो एक रिविजन वीडियो से पास होना है. तो वैसे काम नहीं चलता यार, वैसे काम नहीं चलता. तो दूसरा क्या कारण है आप क्यों फेल हो रहे हो? कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज नहीं है. पहला, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और दूसरा आपका कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज नहीं है. तो इंश्योर कीजिए कि सर अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, और अपना जो कवरेज है वो कॉम्प्रीहेंसिव हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर नहीं कर पाएंगे, सर कैसे करेंगे सर कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज, इतना कुछ है, तो छोड़ दो भाई सी एग्जामिनेशन. मेरी बातें कड़वी लग रही है मगर सच्चाई है. इफ यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन, यू कैनॉट गो फॉर शॉर्टकट. यस, यू हैव टू गो फॉर स्मार्ट वर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कि अपने को स्मार्ट वर्क भी साथ साथ इनकॉर्पोरेट करना है हार्डवर्क के साथ साथ, वो अलग चीज है. शॉर्टकट अलग चीज होती है सर, स्मार्ट वर्क अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना? आपने कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, उसके बाद मल्टीपल रिविजन के लिए आप रिविजनरी वीडियो यूज कर रहे हो, आप वॉइस क्लिप यूज कर रहे हो, वो होता है स्मार्ट अप्रोच, दैट इज नॉट ए शॉर्टकट. लेकिन आपको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए. मेन वीडियोज देखने ही नहीं है, मेन तैयारी करनी नहीं है, सीधा शॉर्टकट से काम चलाना है, तो उससे काम नहीं चलेगा.
ठीक है ना, सिलेक्टिव स्टडीज करनी है उससे काम नहीं चलेगा। तीसरा कारण, एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हो रहा, तो भाई आपका रिटन प्रैक्टिस नहीं है। याद रखिएगा अभी भी एमसीक्यू के फॉर्म में 30% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 70 मार्क्स अभी भी डिस्क्रिप्टिव वे में आता है और आपकी रिटन प्रैक्टिस है नहीं। बोलने में बुरा लगता है, मुझे तकलीफ होती है, बट यार सीए फाइनल के बच्चों का जब मैं राइटिंग का लेवल देखता हूं ना, तो पैथेटिक है, मतलब बिलो एवरेज है यार। लगता है क्लास 8-9-10 से अभी उठकर आए हो, उस जमाने से बाहर नहीं निकले हो और उस तरीके का आप लिखावट लिख रहे हो। प्लीज मेक श्योर, प्लीज एंश्योर दैट यू आर राइटिंग ए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड दैट टू द यू नो मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आप वहां पे अपने इतना पैथेटिक वे में आप लिख रहे हो यार, कोई ग्रामर का सेंस नहीं है, कुछ लैंग्वेज का सेंस नहीं है, बिल्कुल मर्डर कर रहे हो लैंग्वेज का, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। आपको रिटन प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम में आपको स्पीड का आइडिया नहीं लगता, कितना लिखना है क्या लिखना है उसका आइडिया नहीं लगता, तो रिटन प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चंस लिख के देखिए, लिख के देखिए, लैंग्वेज में काम कीजिए, वर्क ऑन लैंग्वेज, ठीक है ना। थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी होना चाहिए, बना के लिख लूंगा सर ऐसा नहीं होता यार, बना के लिखोगे बट एटलीस्ट आपके की वर्ड्स होने चाहिए वहां पे। आपकी लैंग्वेज एकदम पुअर होती है, एकदम पुअर लैंग्वेज होती है, ग्रामर गलत होता है, रिटन प्रैक्टिस आपकी होती नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है आपको पता नहीं, बस सब कुछ गोबर की तरह भर देते हो आंसर में, वैसे नहीं होता यार। तो रिटन प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के देखिए, लैंग्वेज में काम कीजिए। और फाइनली क्या रीजन है क्यों बच्चा ऑडिट में फेल नहीं होता, फेल होता है, टेस्ट नहीं देते हम लोग। मतलब आपको क्या है, बीमारी है यार, टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट नहीं देना सर मुझे। अरे भैया तुम क्लास 8-9-10 में 11-12 में अच्छे मार्क्स सिर्फ टेस्ट के लिए लाते थे, तुमको एग्जाम से पहले अपनी गलतियों का पता चलता था, बट यहां तो अपने को टेस्ट देना ही नहीं है, अपने को तो शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। अरे अरे कोई रिविजनरी वीडियो दिखा दो, मैं तो एक बार रिविजनरी वीडियो देख लूं और एकदम कोई जादू की शक्तियां मेरे अंदर आ जाए, मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। इतने शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, फिर मार्क्स भी शॉर्टकट वाले आएंगे। टेस्ट देना है, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है, ठीक है ना, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, 100 मार्क टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के लिए हमने खुद अपना प्लेटफॉर्म भी डिजाइन किया हुआ है, अपना मेंटर.com, जहां से आप जाके क्या कर सकते हो सर, टेस्ट दे सकते हो। तो ये 5 कारण है जो मैंने आपको बताए हैं कि एग्जाम क्लियर नहीं होता। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दूसरा आप शॉर्टकट के लिए जाते हो, तीसरा रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते, चौथा लैंग्वेज बहुत पुअर है, पांचवा टेस्ट नहीं देते। ये 5 चीज में काम कर लोगे, मार्क्स आने गारंटेड है, आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, तो रिवीजन स्टार्ट कीजिए, रिटन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वाकई, काफी बार आप उतरते, इन दैट सिचुएशन यार आप ना एक डेडिकेटेड मेंटर चूज करो, गुरु चूज करो, जिनसे आप रेगुलरली बात भी कर सकते हो, जिनके साथ आप इन टच रह सकते हो, इन कनेक्शन रह सकते हो। राइट, टेक क्लासेस इफ नीडेड, मत सोचो यार क्लासेस में पैसे चले जाएंगे, टाइम चला जाएगा, नथिंग मैटर्स नियर योर डिग्री। आपकी डिग्री की जो वैल्यू है ना, तो वो उस फीस से बहुत ज्यादा है, आप चुटकी बजाते कमा लोगे वो पैसे। तो एक गुरु चूज कीजिए, एक मेंटर चूज कीजिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, मेंटर ऐसा होना चाहिए जिनके साथ आप कनेक्टेड रह सको, आपको दिक्कत आ रही है तो आपको असिस्टेंस मिल सके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं एक चीज हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अगर आपने मुझे भी एज ए गुरु एज ए मेंटर चूज किया है, तो एक ही कंडीशन है मेरा कि आपको मुझ पर 100% फेथ दिखाना होगा। मैं अपना 200% दूंगा टू एंश्योर कि आपके रिजल्ट्स अच्छे हो, बट मुझे भी आपका 200% चाहिए और आपको मुझ पर फेथ दिखाना होगा, ट्रस्ट दिखाना होगा, भटकना नहीं है फिर यहां वहां। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आई एम हियर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी एट 8638585920, नोट द नंबर 8638585920, मेरा पर्सनल नंबर है, कुछ भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। दूसरी चीज, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है। बट यस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे मैं अपने क्लासेस में पहले क्या करता हूं, कॉम्प्रिहेंसिवली ICSM से कराता हूं, मतलब ICSM की तरह ही अपना बुक हमने ड्राफ्ट कर रखा है, दैट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, तो पहले वहां से कराता हूं, उसके बाद में फिर क्या करता हूं, स्मार्ट वर्क इनकॉर्पोरेट करता हूं, आपको रिविजनरी वॉइस क्लिप प्रोवाइड करता हूं। तो एक एक चैप्टर आप 15-20 मिनट में सिर्फ वॉइस क्लिप सुनकर रिवाइज कर सकते हो, दैट इज वेरी एग्जॉस्टिव। और डेली बेसिस में आप जब उन वॉइस क्लिप को सुनने लगते हो, तो वो आपके दिमाग में बैठने लगता है। फिर एग्जाम से पहले आप रिविजनरी वीडियो देखकर दोबारा से चीजों को पॉलिश कर सकते हो, तो वो होता है स्मार्ट वर्क, बट उससे पहले चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। उसके बाद तीसरा कारण क्या था, रिटन प्रैक्टिस नहीं है, आपको लिखना नहीं आता, तो रिटन प्रैक्टिस कीजिए सर,
लिख लिख के देखिए, आईसीए के सजेस्टेड देखिए, आईसीए ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर आपने मुझसे क्लासेस ली है तो मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि यार क्लासेस कैसे लिखना होता है, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए। आपको चाहिए तो आप लिख लिख कर देखें, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना आंसर कि सर मैंने लिख के देखा है, प्लीज देख कर बताओ ना सही तरीके से लिखा है कि नहीं, तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बट मेहनत तो आपको करनी होगी। उसके बाद लैंग्वेज आपका बहुत पुअर है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड फाइनली यू हैव टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट। तो ये पांच चीजें करोगे तो भाई ऑडिट में आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल नॉट फेल बिकॉज ऑफ ऑडिट एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर डिसेंट मार्क्स इन ऑडिटिंग। ठीक है, इस पूरे जर्नी में मेरा सपोर्ट 200% आपके साथ रहेगा, चाहे आपने उससे क्लासेस ली हो नहीं ली हो। अगर किसी बच्चे ने मुझसे क्लासेस नहीं भी ली है, जस्ट स्टे कनेक्टेड इन द यूट्यूब चैनल, इन द इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, और मेरी तरफ से एक नेवर एंडिंग सपोर्ट आपको मिलते रहेगा। और अगर आपने मुझसे क्लासेस ली हैं या क्लासेस लेने वाले हैं, तो भाई पर्सनली मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। कभी भी आपको कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, और साथ ही साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला, टेस्ट जरूर दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितनी भी गलती करनी है ना अभी कर लो, ताकि एग्जाम में कोई गलती करने की गुंजाइश ना बचे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड फाइनली अगर अभी मार्क्स नहीं आए ना, टूटना नहीं है, दुख नहीं होना है, यू नो यू डोंट हैव टू बी सैड। अभी आपको क्या करना है सर, अगर अभी मार्क्स नहीं आए ना, तो इन गलतियों पे काम करना है। ये पांच कारण ही है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, इनमें काम करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड एंश्योर कि यार अगली बार मुझे यू नो रोने का रीजन नहीं चाहिए, अगली बार मुझे सेलिब्रेट करने का रीजन चाहिए। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, ऑल द बेस्ट।